प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी बर्न की, उसके टाइप्स, कॉम्प्लिकेशंस एंड पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ही एक अहम हिस्सा है जो एक्यूट फेज यानी हॉस्पिटलाइजेशन के समय पर जो होता है, और वो है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, बर्न डिटर्मिनेशन मेथड। यानी बर्न डिटर्मिनेशन किस तरीके से ये पता किया जाता है कि कितना पेशेंट जो शरीर का हिस्सा है वो जला हुआ है, तो उसको डिटर्मिनेशन करने का जो मेथड है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बर्न डिटर्मिनेशन मेथड का सबसे पहला जो मेथड है पता करने का वो है रूल ऑफ नाइन। रूल ऑफ नाइन ये जो मेथड है इसको डॉक्टर एलेक्जेंडर बेलिंस ने सन 1951 में डेवलप किया था। इसके द्वारा उन्होंने पता लगाया कि किस तरीके से TBSA यानी टोटल बर्न सरफेस एरिया, कितना मरीज प्रभावित हुआ है, उसका बॉडी पार्ट कितना बर्न हुआ है, उसी हिसाब से उसको फ्लूड रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो इसलिए अब बात करते हैं रूल ऑफ नाइन मेथड की, यानी ये मेथड किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से बर्न डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो रूल ऑफ नाइन क्या है? द रूल ऑफ नाइन असिस्ट द परसेंटेज ऑफ बर्न एंड यूज टू हेल्प गाइड ट्रीटमेंट डिसीजन इंक्लूडिंग फ्लू रिसक्सिटेशन एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ डिटरमाइंड ट्रांसफर टू ए बर्न यूनिट। तो सबसे पहले हम पता करते हैं, तो इसमें एडल्ट और चाइल्ड दोनों का डिफरेंशिएट किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल ऑफ नाइन इन एडल्ट। तो एडल्ट में रूल ऑफ नाइन किस तरीके से होता है, तो जो उसका हिस्सा है उसमें सबसे पहले हेड एंड फेस, हेड एंड फेस, तो इसको माना गया है 9%, यानी कि 4.5% हेड और 4.5% फेस दोनों को मिला करके कितना होता है 9%। अगर किसी व्यक्ति का हेड बर्न हुआ है तो उसको 4.5% में रखेंगे, और अगर फेस उसका हुआ है तो इस तरीके से दोनों को मिलाकर 9% में इसको हेड एंड फेस को रखा गया है। उसके बाद में अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज यानी कि जो दोनों हैंड्स होते हैं अगर वो इंजर्ड हुए हैं तो 9 और 9, यानी एक जो हाथ है उसका एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर दोनों को मिलाकर 9%। इस तरीके से दोनों हैंड्स को मिलाकर के कितना हो गया 9 + 9 = 18%। उसके बाद में अब बात करते हैं हम लोअर एक्सट्रीमिटीज, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसको जो कैलकुलेट किया जाता है वो 9 एंटीरियर और 9 पोस्टीरियर लेग, और इस तरीके से 18 यानी एक लेग का जो परसेंटेज माना जाता है वो 18% माना जाता है। तो इस तरीके से लोअर एक्सट्रीमिटीज का दोनों का कितना हुआ 36%। इसके बाद में अब बात करते हैं हम बैक एंड चेस्ट, यानी अगर किसी मरीज का चेस्ट बर्न हुआ है और बैक बर्न हुआ है तो 18 + 18 यानी कि चेस्ट के हिस्से को 18% माना जाता है और बैक को 18, तो 18 और 18 36%। तो बैक एंड चेस्ट 36%। उसके बाद में बचा जेनेटल, जेनेटल जो है वो उसको परसेंट को एरिया को माना जाता है 1%। इस तरीके से टोटल 100% बॉडी पार्ट्स अगर जल बर्न है तो उसका टोटल 100% इस तरीके से कैलकुलेट।
जिस जो जो हिस्सा बन हुआ है उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी पेशेंट का चेस्ट बर्न हुआ है और लोअर एक्सट्रीमिटीज बर्न हुई है और उसका बैक भी बर्न हुआ है, तो उसको कितना परसेंटेज बनेंगे, 36+36 यानी कि 72% बर्न। TBSA टोटल, टी से टोटल, बी से बॉडी, एस से सरफेस और ए से एरिया, यानी कि टोटल बर्न बॉडी सरफेस एरिया, TBSA टोटल परसेंटेज इससे कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंट बिटवीन एडल्ट एंड चाइल्ड, यानी कि ये परसेंट अगर बच्चे में इसी तरीके से बर्न हुआ है तो उसमें और उसमें क्या डिफरेंट है। तो जब चाइल्ड की बात करते हैं तो चाइल्ड का हेड और अगर फेस बर्न है तो एडल्ट का 9% होता है, उसमें उसको 18% कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि अगर फेस उसका बर्न है तो इसमें एडल्ट में 4.5% माना जाता है, उसमें उसका जस्ट डबल 9% माना जाता है, और हेड अगर बर्न है तो वो भी उसमें इसमें 4.5% है और उसमें चाइल्ड में 9%। यानी इस तरीके से 9+9 यानी हेड एंड फेस 18% बर्न माना जाता है। उसके बाद में अपर एक्सट्रीमिटीज जो है उसमें सेम 18% होती है चाइल्ड की और एडल्ट की बराबर। लोअर एक्सट्रीमिटी में चेंजेस है थोड़ा सा, उसमें जो हमने बात की थी कि एक लेग की उसको 18% माना गया था, 9 anterior 9 posterior, लेकिन इसमें कितना माना जाता है, 13.5% पर लेग। तो उसके हिसाब से 13.5% into 2 is equal to 27%। और उसके बाद में बैक एंड चेस्ट, जो बैक एंड चेस्ट है अगर वो इंजर्ट हुई है तो उसमें 36% सेम उतना ही माना जाता है। अब जेनिटल, जो जेनिटल एरिया है उसको 1% सेम उसमें माना जाता है। इस तरीके से चाइल्ड में 100% बॉडी पार्ट जो है वो बन ये। तो ये रूल जो कैलकुलेशन का है ये कहलाता है रूल ऑफ नाइन्स, जो कि अलेक्जेंडर वैलेंस ने सन 1951 में इस मेथड को डेवलप किया था और 51 में पब्लिश किया था। तो अब बात करते हैं रूल ऑफ वन, जो वन डिटर्मिनेशन मेथड है वो दूसरा, तो वो है लुंड एंड ब्राउडर मेथड। कौन सा? लुंड एंड ब्राउडर मेथड। लुंड एंड ब्राउडर मेथड ये भी बर्न डिटरमिनेशन मेथड को कैलकुलेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी बॉडी पार्ट्स कितना बर्न हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए। ये जो मेथड है ये पीडियाट्रिक बर्न्स में बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें जो शरीर के एरिया को दो भागों में विभाजित किया जाता है, परसेंटेज जो निकाला जाता है वो दो भागों में निकाला जाता है। इसको जो ये मेथड क्रिएट किया था वो है डॉक्टर न्यूटन ब्राउडर, जिन्होंने 1944 में, कौन है डॉक्टर न्यूटन ब्राउडर, 1944 में इसको क्रिएट किया था। ये पीडियाट्रिक नर्सिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीडियाट्रिक जो बर्न, बच्चे जो बर्न हो जाते हैं उनके जो सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इस मेथड के अंतर्गत शरीर को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है परसेंटेज क्रिएट करने के लिए। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है।
इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझेंगे कि लूट एंड ब्राउडर मेथड किस तरीके से, तो जो हेड और फेस का एरिया है उसको हम ए कैटेगरी में रखते हैं, ए, और जो थाई है उसको बी कैटेगरी में रखते हैं, और जो लेग है उसको सी कैटेगरी में, यानी नी जॉइंट से लेकर के और टो तक का जो बीच का हिस्सा होता है उसको सी में रखा जाता है, बाकी जो अलग है उसको बॉडी पार्ट्स को है वो अलग परसेंटेज से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि जो चेस्ट है उसको 13% कैलकुलेट किया जाता है अगर वो बर्न है, और उसके बाद में जो शोल्डर जॉइंट से लेकर के एल्बो तक का जो हिस्सा है उसको हम 2% में कैलकुलेट करते हैं, एंटीरियर पोर्शन 2% और पोस्टीरियर पोर्शन 2%। उस तरीके से जो एल्बो है और रिस्ट तक का जो हिस्सा है उसको 1.5% कैलकुलेट किया जाता है, यानी 1.5 एंटीरियर और 1.5 पोस्टीरियर, यानी कि 3% टोटल। और इसके बाद में जो पाल्म है, जो रिस्ट है, उसको हम 1.5% में कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से जो लेग्स का हिस्सा है जो कि, तो जो बी हिस्सा जो है उसको, बी को और सी को, ए बी सी इन तीन हिस्सों को एक अलग उसमें रखा गया है 10 डिग्री में, जो ये एज के अकॉर्डिंग इनको परसेंटेज ऑफ बर्न माना गया है, और फुट को, जो फुट है उसको बर्न 3/4 यानी 2%, यानी कि आगे का इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों मिलाकर के 3.5% कैलकुलेट किया जाता है। इस तरीके से पूरी बॉडी को और नेक को 1% बर्न माना जाता है। अब बात करते हैं हम, और ये पेरिनियम जो है इसको 1% कैलकुलेट किया जाता है। अब बाकी जो बचा जो हिस्सा है हेड, और इसके बाद में ये तो बात कर रहे थे हम एंटीरियर पोर्शन की, एंटीरियर, और अगर हम पोस्टीरियर में बात करें तो जो हिप्स का एरिया आता है उसको 2.5% ईच कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो बॉडी के पार्ट्स हैं जो हर एज में इतने ही परसेंट कैलकुलेट किए जाते हैं। अब बात करते हैं, हमने जो हिस्सा तीन जो अलग रखे थे, एक तो फेस एंड हेड, एक थाई, एक लेग, तो इसके लिए एज वाइज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो ए बी और सी, तो अगर वन वाला पेशेंट एट द बर्थ, यानी कि उसकी उम्र जीरो है यानी न्यूनेटल है, तो उस कंडीशन में उसको ए को कितना परसेंट माना जाएगा, उसके बाद में अगर वो इन्फेंट है, एक साल तक का बच्चा है, तो उसको कितना माना जाएगा, 5 ईयर में, 10 ईयर में, 15 ईयर में, और एडल्ट एज, यानी हर एज में डिफरेंट परसेंटेज इस इन तीन हिस्सों को, बॉडी को कैलकुलेट करते हैं और बाकी सारे हिस्सों को अलग कैलकुलेट करते हैं। तो ए में अगर बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है और उसका फेस एंड हेड बर्न हुआ है तो उसको 9.5 यानी कि 9.5% फेस का और 9.5% हेड का उसको कैलकुलेट किया जाए। इसके बाद में अब बात करते हैं हम 1 ईयर पर, अगर ये एक साल का बच्चा है और उसका फेस अगर बर्न हुआ है तो उसको 8.5% 8.5 कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर उसका हेड है तो इतना ही सेम 8.5% कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद में अगर उसकी एज 5 ईयर है तो उसको 6.5% कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर उसकी एज 10 ईयर है तो उसको 5.5% कैलकुलेट किया जाएगा। इसी तरीके से 15 ईयर अगर उसकी एज है तो 4.5% उसको कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर उसकी एज एडल्ट है यानी 18+ है तो उसको 3.5% कैलकुलेट।
किया जाए। ये तो बात हो गई थी हेड एंड फेस की, यानी कि पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों ही हिस्से को सेम कैलकुलेट किया जाता है। यानी अगर न्यूबॉर्न बेबी है, दोबारा से समझ लीजिए, अगर न्यूबॉर्न बेबी है उसका फेस अगर बर्न होता है तो उसको 9.5% यानी 9.5% माना जाएगा, और अगर उसका हेड और फेस दोनों है तो 9.5 and 9.5 यानी 19% उसको कैलकुलेट किया जाएगा। इसी अनुसार अगर वो 1 साल उम्र तक का बच्चा है तो उसको 8.5 और 8.5 हेड एंड फेस तो 17% कैलकुलेट किया जाएगा। इसी तरीके से बी का जो हिस्सा है, हमने जो उसकी थाई का एरिया है, अगर वो बर्न होता है तो एंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी वो कितना होगा तो सेम होगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर का सेम परसेंटेज होता है। तो हम बात करते हैं एंटीरियर अगर बी है तो उस हिस्से का थाई बर्न होता है तो उसे कितना होंगे, तो अगर एट द बर्थ बच्चे का जन्म हुआ है तो उस समय उसका कैलकुलेटर जो बर्न का माना जाएगा वो होगा 2/3/4 यानी 3.5% एंटीरियर और 3.5% पोस्टीरियर, यानी कि 7.5% टोटल थाई अगर बर्न हो रही है तो 7.5% उसको कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद में अगर उस बच्चे की जो उम्र है वो 1 साल है तो उसको 3 and 1/4 यानी 3.25%, यानी कि अगर एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों कैलकुलेट किया जाए थाई एरिया का तो उसका कितना परसेंटेज बन माना जाएगा, 6.5 6.5% माना जाएगा। इसी तरीके से अगर उसकी एज 5 ईयर है तो 4% बन माना जाएगा एंटीरियर, 4% पोस्टीरियर यानी कि 8%। इसी तरीके से अगर उसकी एज 10 ईयर है तो 4.5% उसको कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर उसकी 15 ईयर है तो उसका 4.5% ही कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद में अगर उसकी एज एडल्ट है तो 4/3/4% यानी कि करीबन 4.5% उसको एंटीरियर और 4.5% पोस्टीरियर कैलकुलेट किया जाएगा। इसी तरीके से अब बात करते हैं हम नी जॉइंट से लेकर के फुट तक, तो जो हिस्सा है लेग का वो अगर बर्न है सी में तो उसको कितना कैलकुलेट किया जाएगा, अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको 2.5% एंटीरियर, 2.5% पोस्टीरियर, तो 2.5% उसको कैलकुलेट किया जाएगा। इसी तरीके से 1 साल तक 2.5% ही उसको हम कैलकुलेट करते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग, और अगर वो 5 ईयर है तो उसको 2/3/4 यानी 4.25% कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर वो 10 साल का बच्चा है तो उसको 3% कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर उसकी एज 15 ईयर है तो 3.5 उसको कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि अगर 15 है तो 3.25 और अगर एडल्ट है तो 3.5% उसको कैलकुलेट किया जाएगा। यानी अगर मान लिया हमने कि उसके लेग जो वन है, जो सी हमने यहाँ पर सी लिखा हुआ है, ये एरिया अगर एंटीरियर है तो उसका एडल्ट है तो 3.5% एंटीरियर और पोस्टीरियर तो कितने हुए 7%, और दोनों का अगर कैलकुलेट किया जाए तो 14% टोटल लेग का जो परसेंटेज है वो इसी के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं लुंड और ब्राडर मेथड के अनुसार इन तीन हिस्सों को, पूरे शरीर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो हेड एंड फेस, एक थाई और एक लेग, या इन तीनों हिस्सों को अलग रख करके और बाकी सारे बॉडी पार्ट्स को अलग रख करके, जैसे कि चेस्ट है उसको 13% है और बैक है उसको भी 13% कैलकुलेट किया जाता है, ऐसे ही फोर आर्म है और रिस्ट है, इन सब का पाल्म जो एरिया है उसको भी अलग एक सेम ही एज में एक जैसा परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि जो पीडियाट्रिक नर्सिंग में है, जो पीडियाट्रिक मेथड है उसमें ये ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया जितना कम होता है बच्चे का उसका सही कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से लगाया जा सकता है। इसलिए लुंड एंड ब्राउडर मेथड को कहा जाता है कि वो पीडियाट्रिक बर्न्स में बहुत ज़्यादा सही मेजरमेंट करने के लिए लाभदायी है। इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड मेथड है, जो वो है रूल्स ऑफ पाल।
वन डिटरमिनेशन मेथड, जो थर्ड है रूल्स ऑफ पाल, यानी कि हथेली। अगर हथेली का जो हिस्सा है अगर वो बर्न हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग, इस मेथड के अकॉर्डिंग उसको 1% बर्न में कैलकुलेट किया जाता है। ये रूल ऑफ पाल्म्स कहलाता है। यानी कि अगर हथेली वाला हिस्सा अगर बर्न हो रहा है तो उसको 1% में काउंट करते हैं। मगर इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें फिंगर और रिस्ट को काउंट किया, फिंगर एरिया जो है और रिस्ट का जो एरिया है उसको काउंट नहीं किया जाता, केवल पाल जो एरिया है उसको ही, हथेली के एरिया को ही इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो बात कर रहे थे हम वन डिटरमिनेशन मेथड की। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, अब हमने TBSA यानी टोटल बर्न बॉडी सरफेस एरिया पता कर लिया कि कितना परसेंटेज एरिया बर्न हुआ है। तो उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि फ्लूड रिसक्सिटेशन किया जाए, यानी उसको फ्लूड थेरेपी किसके अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज एरिया बर्न है तो कितने परसेंट पर कितनी फ्लूड की आवश्यकता होती है। तो इस मेथड को बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरेपी बाई द पार्कलैंड फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि ज्यादातर हॉस्पिटल्स में इसी के अकॉर्डिंग फ्लूड रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो सबसे पहला कौन किसका बात करेंगे हम, पार्कलैंड फॉर्मूला। पार्कलैंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला है वो है कि सबसे पहले 4 ml रिंगर लैक्टेट इनटू 4 ml रिंगर लैक्टेट इनटू वेट इन केजी, यानी जो मरीज है उसका वजन वेट इन केजी इनटू, यानी जितना उसका वजन है उसमें 4 ml का गुणा कर देंगे, उतनी रिंगर लैक्टेट हम उसको फ्लूड रिप्लेसमेंट करेंगे, इनटू परसेंटेज ऑफ TBSA टोटल बर्न सरफेस एरिया, यानी जितना बॉडी का पार्ट उसका बर्न हुआ है। तो ये परसेंटेज हम किससे निकालेंगे, जो अभी हमने मेथड बात की थी रूल ऑफ 9 उसके अकॉर्डिंग या लुंड्स ब्रावर के अकॉर्डिंग, जब हम बॉडी सरफेस एरिया का 1% निकालेंगे तो उस हिसाब से उसमें जितना मरीज का वजन है उसमें 4 ml रिंगर लैक्टेट का कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद में जैसे सपोज कीजिए, एक एग्जांपल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि सपोज कीजिए मरीज का वजन 40 kg है तो 4 × 40 और वो 30% बर्न है तो ये कितना कैलकुलेट निकल के आया, इस तरीके से ये निकल के आया 4800 ml। हम उसको फ्लूड देंगे पहले दिन, फर्स्ट डे। तो इसको किस तरीके से हम फ्लूड रिप्लेसमेंट करेंगे उसको समझ लेते हैं। इन द फर्स्ट 8 hours, यानी कि ये निकाला हमने कैलकुलेट इस मेथड के द्वारा, तो जो फर्स्ट 8 hour है उसमें इसका जस्ट आधा फ्लूड हम उसको चढ़ाएंगे। जैसे कि कितना आया था 4800, यानी 4800 ml हमको रिंगर लैक्टेट देना है तो उसमें से 2400 ml हम उसको पहले 8 घंटे के अंदर चढ़ाएंगे फ्लूड, और उसके बाद में नेक्स्ट जो 16 आवर्स हैं उसमें जो बचा हुआ 2400 ml है उसको हम चढ़ाएंगे फ्लूड रिप्लेसमेंट करेंगे। इस तरीके से ये कौन सा है, पार्कलैंड फॉर्मूला है, ये फर्स्ट डे का है, यानी पहले दिन हम ये रिप्लेसमेंट करेंगे फर्स्ट डे। उसके बाद में सेकंड डे, इन सेकंड 24 आवर्स, यानी पहले 24 घंटे तो हमने
8 आवर्स में जस्ट उसका हाफ दिया और 16 आवर्स में बचा हुआ हाफ दिया। उसके बाद में जो सेकंड डे है उसके लिए उन्होंने क्या कैलकुलेशन बताया है, उसमें 0.5 ml डे सेकंड, सेकंड डे के लिए 0.5 ml कोलॉइड्स इनटू बॉडी वेट, वेट इन केजी, यानी कि 0.5 ml कोलॉइड्स उसको हम देंगे और जो वेट ऑफ पेशेंट यानी मरीज का जो वेट है इन केजी में उसको कैलकुलेट करेंगे इनटू परसेंटेज ऑफ TVSA टोटल वर्ल्ड सरफेस एरिया प्लस 2000 ml जो 5% डेक्सट्रोज ग्लूकोज उसको हम देंगे। तो इस तरीके से 0.5 ml कोलॉइड्स यानी कि प्लाज्मा हम उसको देंगे क्योंकि प्लाज्मा लॉस होगा तो उसको प्लाज्मा की जरूरत होगी। तो सेकंड डे हम 0.5 ml प्लाज्मा इनटू वेट इन केजी, जितना उसका वजन है उसमें 0.5 ml का गुणा कर देंगे और इनटू जितना परसेंट एरिया उसका बर्न हुआ है उसमें कैलकुलेट करेंगे प्लस और उसमें 2000 ml साथ में इस इतने प्लाज्मा के साथ में 2000 ml डेक्सट्रोज पर डे यानी सेकंड डे हम उसको चढ़ाएंगे। तो ये कौन सा फॉर्मूला कहलाता है, पार्कलिन फॉर्मूला। एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि फर्स्ट डे पहले दिन 4 ml रिंगल लैक्टेट इनटू वेट, जितना उसका वजन है उसमें 4 ml पर केजी के हिसाब से रिंगल लैक्टेट और उसमें गुणा कर देंगे जितना परसेंट उसका बर्न हुआ है बॉडी सरफेस एरिया, उसमें 24 आवर्स में वो कैलकुलेट करके हमें 24 आवर्स में टोटल देना है जिसमें से फर्स्ट 8 आवर में उसमें उसका हाफ देना है और बाकी के 16 आवर्स में उसका हाफ देना है। इसी तरीके से सेकंड डे 0.5 ml कोलॉइड्स जो प्लाज्मा है वो हम उसके पर बॉडी वेट के हिसाब से उस और इनटू परसेंटेज ऑफ जो उसका परसेंटेज बॉडी सरफेस बर्न हुआ है उसको उसमें और 2000 ml 5% डेक्सट्रोज उसको कैलकुलेट करके हम सेकंड डे उसको रिप्लेस करेंगे। इसके बाद में अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई थी पार्कलिन फॉर्मूला की, एक और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने फ्लूड रिप्लेसमेंट के लिए एक मेथड दिया था और वो मेथड है कैंसिनेंस कैंसेंस फॉर्मूला। जो कैंसिस मेथड है उसके अकॉर्डिंग यानी कि जो रिंगल लैक्टेट है 2 से 4 ml 2 टू 4 ml रिंगल लैक्टेट इनटू वेट ऑफ पेशेंट इन केजी, यानी 2 से 4 ml रिंगल लैक्टेट पर बॉडी वेट के हिसाब से और इनटू परसेंटेज ऑफ TVSA यानी जितना टोटल बर्न सरफेस एरिया बॉडी उसकी जितनी परसेंट बर्न हुई है उसमें और 2 से 4 ml रिंगल लैक्टेट का गुणा कर देंगे जितना उसका वजन है उसमें और उसके परसेंटेज में, इस तरीके से उसका कैलकुलेट निकालेंगे और उसके बाद में जितना कैलकुलेशन निकल के आएगा उसमें से हाफ ऑफ फ्लूड गिवन इन 8 आवर्स यानी कि उसका जो आधा है जैसे सपोज कीजिए उसका कैलकुलेशन निकल के आया 3000 ml तो उसमें से हाफ 8 आवर्स में और बाकी का हाफ 16 आवर्स में फ्लूड उसको हम देंगे रिप्लेसमेंट करें। तो ये जो फॉर्मूला है वो कॉन्सिडेंस फॉर्मूला कहलाता है मेथड। इसके बाद में एक और फॉर्मूला है
फ्लूट रिप्लेसमेंट का, और वो फॉर्मूला है इवेंस फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग यानी कि जो कोलॉइड्स है वन एम एल इंटू, यानी प्लाज्मा देंगे उसे हम, जितना मरीज का वजन है, वेट इन केजी, जो पेशेंट का वजन है, इंटू परसेंटेज ऑफ TVSA एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वन एम एल इंटू वेट इन केजी, जो पेशेंट का वेट है, और परसेंटेज ऑफ TVSA टोटल वन सरफेस एरिया, यानी प्लाज्मा 1 ml वेट के हिसाब से, यानी जितना उसका वजन है उसमें, और उतना परसेंटेज में गुणा करके जितना आएगा उतना हम पर डे उसको देंगे। और इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे रिंगल लैक्टेट है, आइसोलाइट पी है, नॉर्मल स्लाइन है ये, और उसके बाद में ग्लूकोज 5%, ग्लूकोज 5% डेक्सट्रोज उसको देंगे 2000 ml। इस तरीके से उसको हम फ्लूड रिप्लेसमेंट करेंगे वन पेशेंट में। तो इस तरीके से हमने जो बात की थी, इसका जो कैलकुलेशन निकालेंगे उसके हिसाब से फर्स्ट डे यानी पहले दिन इसका जो टोटल निकालेंगे, यानी कि हमने प्लाज्मा 1 ml वेट के हिसाब से इनटू परसेंट के हिसाब से निकाल लिया, इलेक्ट्रोलाइट निकाल लिया, और ग्लूकोज 2000 ml, तो ये पूरा टोटल फ्लूड कर दिया। उसमें से हाफ ऑफ फ्लूड नीड टू बी गिवन इन 8 आवर्स, यानी कि पहले दिन उसको इसका जो टोटल है, जैसे ग्लूकोज 2000 ml है, तो उसमें से 1000 ml 8 आवर में देंगे, और नेक्स्ट 16 आवर्स में हम बाकी का 1000 ml देंगे। ऐसे ही प्लाज्मा का जो कैलकुलेशन निकाला, जितना फ्लूड आ रहा है उसमें से आधा हम 8 आवर्स में दे देंगे और आधा नेक्स्ट 16 आवर्स में देंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट जो है, जैसे रिंगल लैक्टेट, आइसोलाइट एम एक्सेट्रा, वो उसका भी कैलकुलेशन करेंगे, और जितना फ्लूड आएगा उसको पहले दिन 8 आवर्स, फर्स्ट 8 आवर्स में देंगे, और आधा नेक्स्ट 16 आवर्स में देंगे। एंड सेकेंड डे जो इवेंट्स फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो सेकेंड डे है, हाफ ऑफ द प्रीवियस डे, यानी जो हमने तीनों चीज निकाली, यानी प्लाज्मा, रिंगल लैक्टेट और ग्लूकोज का जो परसेंटेज निकाला था, जितना हमने फर्स्ट डे उसको रिप्लेस किया यानी उसको चढ़ाया, उसका जस्ट आधा हम उसको नेक्स्ट डे देंगे। इस तरीके से ये इवेंट्स फॉर्मूला कैलकुलेट करता है। तो आज हमने बात की थी कि किस तरीके से हम जो बर्न डिटरमिनेशन है उसका पता करेंगे किन किन मेथडों से, और किन किन मेथडों के द्वारा हम कैलकुलेट करके फ्लूड रिप्लेसमेंट करेंगे, थेरेपी देंगे। थैंक यू वेरी मच।